ब्रह्मध्यान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अपि ध्यानं कर्तव्यम् इत्याह। ब्रह्मध्यान का जो फल है वह प्रत्यक्ष सिद्ध, क्योंकि वो फल क्या है? अनात् बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन्न पिन्न चेध्यायेत् को अपरो अस्मात् पशुर्वद। क्योंकि प्रत्यक्ष फल क्या है? अनात्मा में जो बुद्धि थी वो शिथिल होते भी जाता है प्रत्यक्ष। अनात्म बुद्धि शिथिल होते जाता है, अर्थात अनात्माओं में आत्मबुद्धि शिथिल होते जाएगा। जैसे जैसे ब्रह्म ध्यान करते जाओगे वैसे अंतगण शुद्ध होएगा। वो अंतगण शुद्धि हमें भाषित ही होता है। हर व्यक्ति को स्वांतगण कितना शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है वो भाषित हो जाता है। शुरू शुरू में तो मालूम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मालूम हो जाता है। पहले सब बहुत अंतर है, विवेक में, विचार में, रहन सहन, खान पीन, सात्विकता बढ़ती जा रही है। पहले कैसे था, 10 साल बाद अब क्या हाल है, आदमी अपने आप को देखेगा तो पता लग जाता है। इसलिए एक तो ब्रह्म ध्यान जो ध्यानाभ्यास योगाभ्यास आदि करते हैं, इसे स्वयं के ही अंदर अनात्म बुद्धि जो है वो शिथिल होता जाता हुआ दिने दिने ध्यानात् फलम किम अनात्म बुद्धि शैथिल्याम पश्यन्नपि, ऐसा होता हुआ देखते हुए भी, न चेत ध्यायेत, यदि वह ध्यान फिर भी नहीं करता है उससे बढ़कर और कौन पशु हो सकता है बताओ। को अस्मात् अपरो पशु भवेत, उससे अलग कोई दूसरा पशु और क्या होगा? निश्चित रूपेण वह पशु ही है। जो ध्यान का फल प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ अभी ध्यान करना नहीं चाहता है वह उससे बढ़कर पशु क्या होगा? अति किसी भी चीज का ध्यान करो, अपने आप अन्य चीजों से आपकी वृत्ति हट गई कि नहीं हट गई? तो इसे समझना चाहिए आदमी को, यदि मैं पैसे का ध्यान करता हूं इसे मेरा अन्य ध्यान हट जाता है। आदमी ऐसे भी होते हैं पैसे की तरह भूत बने हुए हैं। एक सेठ जी सुना रहे थे अभी कथा, तो तब से सतर्क हो गए सेठ जी, बेटा कल हमें भी भूल सकता है। हुआ क्या, कहते हैं कि वो पत्नी का जो बेटे का पत्नी बच्चे को ले जाना चाहती थी डॉक्टर के पास, पति को कही तो पति उस समय को जवाब नहीं दे रहा था। तो सेठ जी ने बोला, बेटा क्या बात है? तो बेटा ने कहा, ऐसा है मेरे को अमुक काम से अमुक जगह जाना है, उस समय मैं साथ साथ ले जाऊंगा रास्ते में। अब डबल चक्कर होगा ना, डबल चक्कर में ज़्यादा खर्च होएगा, इसे उस समय साथ में ले जाऊंगा। ठीक है, उन्हें बहू को बोल क्या बात है, दिक्कत क्या है, उस समय ले जा, बच्चे थोड़े मर रहा है अभी, इमरजेंसी तो है नहीं, खांसी वासी तो रख ले। ठीक है, बेटा बाद में तैयार हुआ अपने जाने के जहाँ जाने को उस टाइम के हिसाब से पत्नी और बच्चे को लिया, ले जाके डॉक्टर के पास छोड़ दिया और वहाँ से वो अपने चला गया काम में। काम में गया, नोट मिली, गड्डी डाला और सीधा घर पहुंच गया। त्रिजोरी में भरने के चक्कर में और भूल ही गया मैं पत्नी को लाना है, रास्ते में छोड़ा हुआ है, बच्चे को लाना है। पत्नी बच्चे को रास्ते में छोड़ा है, बोला है आते हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा और वो भूल ही गया। तो सेठ जी ने सोचा ये तो खतरे की घंटी है, जो आदमी अपने पत्नी बच्चे को भूल सकता है, माँ बाप को भूलने में कौन सी देर लगता है उसको, दो क्षण में भूल जाएंगे। तुरंत तुरंत अपने अलग एफडी बनाना शुरू कर दिया सेठ जी ने, अपनी हिसाब किताब बना लिया, ये तो खतरा है, ये तो कल हमको भूल जाएगा, रोटी भी नहीं पूछेगा, पानी भी नहीं पूछेगा, जिंदे हमारे कोई याद ही नहीं रहेगा इसको, तो क्या होगा? जरूरी है, इसे उससे बड़ा पशु और क्या होगा? उसको इतना अकल नहीं आया, जब भूत पैसों में मेरी ध्यान इतनी गई तो मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, यदि परमात्मा में मेरा ध्यान चला जाए तो क्या नहीं हो सकता? इतना विवेक नहीं जग रहा है तो आदमी क्या है, वो पशु ही तो है। लौकिक व्यवहारों से हमें विवेक जगेगा और किस व्यवहार जगेगा? जब देख रहा हूं एक चीज में लगा हूं इसे सारा चीज भूल जा रहा हूं, इसका मतलब है मैं उसमें भी लग जाऊंगा तो बाकी सारा चीज अपने आप छोड़ जाएगा। ये समझ कर उसको लगना चाहिए। पश्यन्नपि न चेत् ध्यायेत् को अपरस्मात् पशुर्वद, उससे बड़ा दूसरा पशु क्या हो सकता है बोलो। इदानी उपाध्यमर्थम संक्षिप्त दर्शित, अब तक जो विचार कर सिद्ध किया पदार्थ है उसको संक्षेप में दर्शा रहे। देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानाद् आत्मानमद्वयं पश्यन् मर्त्योमृतो भूत्वा यत्र ब्रह्म समश्नुते।
देहाभिमान विध्वस्य, देह के अभिमान को ध्वंस करके ध्यानात। कैसे करोगे? ध्यानात, ध्यान से देह में जो अहमता का अभिमान है उसको नष्ट कर दो और उस अहम को ब्रह्म के साथ जोड़ दो। अद्वयम् आत्मानं पश्यन्, उस अद्वितीय आत्मा का अनुभव करता हुआ, मर्त्यो अमृतो भूत्वा, यह मर्त्य मरण धर्म जो मनुष्य है वह अमृत भाव को प्राप्त होता हुआ अत्र इव, यहीं पर इस शरीर में जिंदे रहते हुए वही ब्रह्म समष्टुते ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, जीवन मुक्ति को ग्रहण। नवम प्रकरण का मूल उद्देश्य क्या था? जीवन मुक्ति की सिद्धि। इसे समाप्त करते कह दिया अत्र इव ब्रह्म समष्टुते, अर्थात जीवन नेव अस्मिन् शरीरे एव मुक्तो भवति कर्ता। मरणशीले देह, मरण स्वभाव वाले शरीर में अहम इत्यभिमान परित्यागात, अहम इस अभिमान का परित्याग से स्वयं अमृतो भूत्वा, स्वयं अमर हो करके अत्र अस्मिन्नेव शरीरे, इस शरीर में जीवित रहते हुए स्वस्य निजम रूपम, अपना जो निज स्वरूप है क्या, सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति, सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर याद दिला रहे हैं टिप्पण संख्या दो, पहले जो कहा हुआ जो ज्ञान के अधिकारी नहीं है वह योग से वेदांत के पास नजदीक आ, योग बहुत ही उत्कृष्ट सहकारी कारण है वेदांत, ये बात पहले कहा था ना, उसको समर्थन में अब योग वासिष्ठ को दे रहे टिप्पण। ज्ञान योगो मुक्ति साधको इति योग वासिष्ठ प्रतिपादित, तथा ही गौ क्रम चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव, योगस्तद्वृत्तिरोध स्याद् ज्ञानं सम्यग्गवेक्षणम्, असाध्य कसचित् योगः कसचित् तत्त्वनिश्चयः प्रकारो द्वौ तथो देवो जगाद परमः शिवः। परमशिव ने यह बात कहा है कि द्वौ क्रमो, दो रास्ता है, एक ज्ञान है और दूसरा योग है। चित्तनाशस्य दो क्रमो, इस चित्त के नाश का दो रास्ते हैं, एक योग दूसरा ज्ञान। हे राघव, योग क्या करता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, और ज्ञान क्या करता है? उस आत्मस्वरूप का सम्यक अनुभव करा देता है, सम्यक गवेक्षण। लेकिन कस्य चित असाध्य योग, किन लोगों को योग असाध्य हो जाता है और किन लोगों को ज्ञान असाध्य? प्रकारो द्वौ तथो देव, इसीलिए वह देव परम शिव ने दो रास्ता बता दिया। जिनको सीधे ज्ञान ग्रहण करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है वो योग करे, और जिसको योग में सामर्थ्य नहीं है लगे रहो ज्ञान में, इस जन्म तो कोई ना कोई जन्म हो ही जाएगा समझ करके लगे रहना चाहिए। शरीर है ना, सभी का शरीर योग के लायक नहीं है और सभी का बुद्धि ज्ञान के लायक नहीं है, और जिसका शरीर और बुद्धि दोनों ही बिगड़ा हुआ है, न ज्ञान के न योग के दोनों के लायक नहीं, वो महापशु है, उसके लिए हमारा शास्त्र है नहीं, उसके लिए शास्त्र नहीं, क्या फायदा है उसको, शास्त्र क्या करेगा उसको? ये शास्त्र तो ज्ञापक मृदुकारक, शास्त्र को कर नहीं सकता, बहुत करा देता है, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है नहीं करने को, तो क्या करेगा शास्त्र? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए शास्त्र है ही नहीं जिसका बुद्धि भ्रष्ट है, जिसका शरीर नष्ट है। शरीर क्यों नष्ट है? ब्रह्मचर्य नहीं है तो शरीर नष्ट हो गया। बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं है? संस्कार नहीं है, वासना ही नहीं है, भ्रष्ट है। उसको जगत ही अच्छा लगता है, धन दौलत ही अच्छा लगता है, पत्नी बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माल मटेरियल ही अच्छा लगता है, लगा हुआ है उसी, भ्रष्ट बुद्धि वाला है, दोनों के लिए काम नहीं है अपने पास। इसलिए किसी को भी पहले उपदेश देने से पहले देख लेना ये शरीर इसका ठीक है, बुद्धि ठीक है, जिसका शरीर भी बुद्धि दोनों ठीक नहीं उसको उपदेश देके क्या करोगे? है बेकार है, फायदा ही नहीं है इसमें। ये कहने का मतलब हो गया। अब कहते हैं कि ध्यान दीप प्रकरण समाप्त हो गया, उस ध्यान दीप प्रकरण का नित्य अनुसंधान करने का फल क्या है? ध्यान दीपानुसंधान फल माह ध्यान दीपम इमं सम्यक परामृशति यो नरः मुक्त संशयेवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्। इमं ध्यान दीपम यो नरः, जो मनुष्य
इस ध्यान दीप प्रकरण को सम्यक परामर्शति, सम्यक प्रकार से नित्य निरंतर चिंतन किया करता है, मुक्त संशय, वह संशय से मुक्त होकर के अयम ब्रह्म संततम ध्यायति, वह नित्य ही ब्रह्म का ध्यान करने में लग जाएगा निश्चित रूपे। दशमम नाटक दीप प्रकरण, अब दसवां नाटक दीप प्रकरण आरंभ होता है। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्षते। श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि इन दोनों गुरुओं को ईश्वरों को नमस्कार करके मैं श्री रामकृष्ण नामक पंडित इस नाटक दीप नामक प्रकरण का अर्थ को संक्षेप से मेरे द्वारा किया जाता है, कथन किया जाता है। ये टीकाकार का अपना मंगलाचरण। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्यूह परिपूर्णाय अभिमत देवता तत्त्वानुस्मरण लक्षण मंगलम आचरन मंदाधिकारिणाम अनायासेन निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्धये अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थं तत्त्वज्ञं कल्पितः स्मृतक्रमः इति न्यायमनुस्मृत्य आत्मनि अध्यारोपं तावद् आह। लंबी एक वाक्य बना दिए। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, करने के लिए इच्छित यह ग्रंथ का निष्प्रत्यूह परिपूर्णाय निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए अभिमत देवता रूपी तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व का अनुस्मरण लक्षण, उनका स्मरण करना रूपी मंगलाचरण करते हुए। अलग कोई मंगलाचरण करिए नहीं, जिस तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा अभिष्ट देवता है, उसका स्मरण ही मंगलाचरण, अर्थात ब्रह्म का स्मरण कर लेना ही मंगलाचरण। वह मंगलाचरण करते हुए यह नाटक दीप प्रकरण किसके लिए है, मंदाधिकारिणाम अनायासेन, मंदाधिकारियों को अनायास ही निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का प्रतिपत्ति सिद्धि के लिए। यह ब्रह्म आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ है, इस ज्ञान को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं किसको, मंदाधिकारी। क्यों, मंदाधिकारियों को तो मानना मुश्किल हो जाता है ना, जगत तो है ही नहीं, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कौन माने। और उत्तम अधिकारी लोग भी बड़ा आजकल परेशान रहते हैं इस बात में, हाँ, कि अपने आप उत्तम अधिकारी जो मान रहे हैं आजकल वो भी जगत के पीछे पड़े हुए हैं। श्रद्धा परमनिष्ठ लोग, उनकी यश की कामना है, धन की कामना है, पद की कामना है, सम्मान की कामना है, अनेकों कामनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। आप देख जितने बड़े आदमी के पास जाओ उतनी सूक्ष्म कामना उसके पास रहती है, ही देखा हम लोगों ने। परम व्यक्तों के पास भी रहा, बड़े पद वालों के पास भी रहा, आचार्य महामंडलेश्वर के पास, शंकराचार्य के साथ रहा, विरक्त मंडलियों में रहा, जो झोंपड़ियों में रहते हैं कुछ नहीं पहनते हैं, सिलाई किया हुआ वस्त्र छूते भी नहीं, ऐसे विरक्तों के पास, उनके साथ भी रख कर देखा तमाशा। अवधूत के साथ रहा तो कपड़े नहीं पहनता, यह लंगोटी पहन के रखा, अवधूत के साथ था बस, उसकी लीला वही जाए। सबके अपनी अपनी लीला होती है सबके अंदर, लेकिन कामना ऐसी जटिल फंसा पड़ा है, वो कामना का स्वरूप अलग अलग है, कामना है सब, चाहे मेरे को मानना चाहिए, ये तो सभी के अंदर रहता है, कोई ना कोई मेरे को मानना चाहिए, कोई नहीं मानेगा तो फिर परेशान हो जाए, इसे चेड़े बनाते हैं, चेड़े तो हमको मानेंगे ना, और चेड़े भी ना माने तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। अब आदमी शादी क्यों किया, सोचे कम से कोई तो मानने वाली मेरे को मिलेगी, मेरे को मानेगी, मेरे को कहेगी हाँ मेरे पति हैं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत बढ़िया हैं आप, बहुत सुंदर रहे हैं आप, इस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे हैं, बोलने वाली चाहिए है, आदमी को एक जरूरी है, औरत को भी जरूरत ऐसे ही है, उसको भी चाहिए कोई आदमी, कोई कहे तो बहुत सुंदर ही है, ना कहे तो पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए, यदि पति कह दे कभी पत्नी तो सुंदरी नहीं, वो ज़्यादा सुंदरी है, उसे शादी करो बोलेगी वो तुरंत, उसके पीछे जा, मैं ऐसे बात मत करो, ऐसे डांटेगी वो, होता है संसार। ये जो कामना है ना अंदर में, प्रशंसा की, अनेक प्रकार की, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना,
एजुकेशन सब पर निर्भर है, लेकिन कामनाएं सब में विरक्त चाहते हैं। लोग कहें मेरे को विरक्त, अविरक्त मत कहो तो नाराज हो जाएगा, है आपने ऐसे किसी नाम पुकार दिया, कहीं ना विरक्त दयानंद बोलिए, सब बोलता है, खुद ही बोल रहा है, मेरा नाम कभी केवल दयानंद नहीं बोलना, विरक्त दयानंद बोलना, विरक्त शब्द जुड़ेगा तब उसको संतुष्टि होगी, हाँ मैं महात्मा हूँ, विरक्त महात्मा, क्या वैराग्य है। आचार्य बोलना, स्वामी जी बोलना, श्री 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 बोलना, एक नहीं तीन, ये सब बीमारी है, ये बीमारी है, ये विशेषणों की बीमारी, सब देख के विरक्त हो गया, हमने कहा कि तब मेरे समझ में, जो एक बार हमको बहुत पहले गुरु एक महात्मा ने कहा था दक्षिण में, एक परिपूर्णांति करके थे, उन्होंने कहा था जब तक तुम संतों से विरक्त नहीं होएगे ना तो साधु नहीं बन सकता। तो महात्मा मेरे जा, सब के यहाँ जा, सबसे विरक्त हो जाए तब तेरे को अकल सही है कि महात्मा क्या होता है, महात्मा बनना कैसे होता है, किस क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये तब समझ में आएगा। नहीं तुम सोच रहे हो ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा हो तो ऐसा होंगे, वो तो वैसा होंगे, नहीं जाओ पता चलेगा, दूर से पहाड़ सुंदर लगता है, चढ़ो तो पता चलता कितने कांटे पत्थर पसीना छोड़ता है वहाँ दूर उधर बेटा। कन्नड़ में कहावत, दूर से पहाड़ बहुत सुंदर है, वैसे दूर से महात्मा बहुत सुंदर है। हम रामायण जी महाराज कहते थे महात्मा बैठे हैं तो फूल जैसे, चलते हैं तो गधे जैसे, बैठे तो फूल जैसे सजे हुए मस्त बैठे हुए प्रसन्न है, माला वाला पहने हुए, सब चलते हैं तो इधर एक बैग इधर एक बैग पीठे हुए सर के पर, एक दुनिया लगे गधा जैसे चलता है, कहते बैठे हैं तो फूल जैसे, चलते हैं तो गधे जैसे। ये सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, कहने का मतलब इसे इनका कहना है कि देखो मंदाधिकारियों को अनायास ही निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व का प्रतिपत्ति सिद्धि के लिए ये ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है नाटक द्वीप प्रकरण कि सामान्य नियम क्या है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचता है, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस निष्प्रपंच की व्याख्या की जाती है। निष्प्रपंच कौन है? ब्रह्म, उस ब्रह्म की आत्मा की व्याख्या की जाती है। क्यों? शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम, शिष्यों को ज्ञान सिद्धि के लिए, शिष्यों के प्रति ज्ञान सिद्धि के लिए ही किया गया। किनके द्वारा? तत्वज्ञ कल्पित क्रम, तत्वज्ञों के द्वारा कल्पित क्रम है, उसी क्रम को अपनाते इति न्यायम अनुसृत्य। आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आत्मनि अध्यारोपम तावदाह, आत्मा में क्या क्या अध्यारोपित है वो हम पहले समझाएंगे, फिर उसकी अपवाद भी कर देंगे संक्षेप में पहले, फिर उसको विस्तार से समझाएंगे। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्व स्वमायया स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविश जीव रूपतः। परमात्मा अद्वयानंद पूर्ण, पूर्ण पूर्वम, पूर्व मने जगत उत्पत्ति प्राप्त, जगत उत्पत्ति से पहले यह आत्मा कैसा था? वह परम था, परम था, मैंने सर्वोपाद रहित निरतिशय था, अद्वैत था, आनंद था, पूर्ण था। अब लगता है इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, है ना, अभाव महसूस होता, अर्ध ब्रगलम भी वो उपनिषद में कहा अर्ध ब्रगलम इव वृदान्य। एक उम्र में होता क्या, स्त्री लड़की चाहती है मेरी शादी हो जाए, लड़का चाहता है मेरा शादी हो जाए, लड़का लड़की को चाह लगता है, लड़की लड़के को चाहता है, एक दूसरे के बिना ऐसा लगता अभाव हो गया, जीवन ही अधूरा। और वेस्टर्न कल्चर है ही, विदेशी तो कहते हैं नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो लाइफ विदाउट वाइफ, ऐसे कहते हैं विदेशी, जीवन ही नहीं हो सकता है पत्नी के बिना। अरे वो आप कहेंगे आप अखंड ब्रह्मचारी, अरे ऐसा कैसा हो ही नहीं सकता, बोलते नहीं नहीं आपका भी कोई ना कोई होगी, हाँ वो मान ही नहीं सकते, वो मान नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। और शास्त्र भी कहता है ये हो नहीं सकता, 99.9% जनता अर्ध ब्रगलम ईगो महसूस करते हैं। जैसे दाल है ना, दाल दाल का दो भाग होता है, आधे फाग, एक फाग इस फाग के बिना, एक फाग के बिना, ये फाग पूर्ण होगा क्या? नहीं। आप भी ऐसे सोचते बिना औरत का मैं पूर्ण नहीं हो सकता, औरत भी सोचते बिना आदमी का मैं पूर्ण नहीं हो सकता, इसे अर्धांगिनी कह देते ना उसको, अर्धांगिनी। तो पूर्णता उसी से मानी,
लेकिन ये भी भ्रांति है कि जगत उत्पत्ति से पहले आप पूर्ण थे, अब कब अपूर्ण हो गए आप, और स्त्री से कैसे पूर्ण हो जाओगे हैं? अरे सदा पूर्ण है आप, पहले जगत से उत्पत्ति से पहले पूर्ण थे, बीच भ्रांति हो गई अपूर्णता अर्थ तो प्रगलता आ गई थी भ्रांति वशा, और बाह्य वस्तुओं से पूर्णता किया, कोशिश किया, मिला क्या, धोखा। यही तो होता है, बाह्य वस्तुओं से आप अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने की कोशिश करो, कहीं पूर्ण हो सकते हैं, कभी नहीं होने वाले। कुछ क्षणों के लिए लगता है हाँ ठीक ठाक है सब पूर्ण है, कुछ समय के लिए थोड़े क्षण, इन वास्तव में वह पूर्णता ही है, क्योंकि वास्तविक आपका स्वरूप क्या है, पूर्णत्व है, जो पहले था अब भी हो बाद में भी है, बीच भ्रांति वशात पूर्णता है, इसलिए अग्रे पूर्वम पूर्ण, किंतु अब क्या हो गया, स्व माया, अपनी माया से स्वयं जगत भूता भूतवा स्वयं जगदाकार को प्राप्त कर गया, स्वयं से अलग कोई जगत भी पैदा नहीं किया, स्वयं ही जगदाकार दिखाई दे रहा है, और स्वयं ही जीव रूप प्राविशत, जीव रूप ने स्वयं प्रवेश कर गया। इसे लूता कीट न्याय दिया जाता है, लूता कीट वो करता क्या है, स्वयं ही धागा बना देता है, स्वयं पिरोते जाता है, स्वयं जाल में फंसता है, स्वयं जाल को खा भी जाता है, है विचित्रता है। इसे ये मकड़ी तो अपने जाल को नहीं खाते हैं, इस मकड़ी को नहीं ले सकते आप, लीता लूता कीट होता, एक होता है पेड़ों में लगते हरे हरे आते नीचे आते हैं, चींटी वो ऊपर खड़े होकर देखते रहता है, जहाँ देखा मेरा भोजन आ गया है, कैसा स्पीड से आता है, चींटी इधर से चार कदम चलने से पहले वो 20 फुट नीचे आ जाता है, खट लेकर सीधा वापस उसी धागे से खट खाते हुए चले जाए, धागे को खाते जा रहा है, और मुंह में उसको पकड़ा गया बड़ा अच्छा, वहां जाकर के वो डाली में बिठाएगा, उसको पैर से दबाएगा, उसको फिर धीरे धीरे खाएगा, अपने आप जाली बनाता है, जाल को लेते हुए जाता है, सृजते घृणते च। तो उसी तरह से यहां पर भी है, ये परमात्मा खुद ही जगदाकार हो गया, खुद उस जाल में घूमने लग गया जीव रूपेण, और को सारे को समेटने के सामर्थ्य उसके पास है, जब चाहे तब समेट ले, आपकी मर्जी है, आपकी बनाए हुआ चीज आप समेट लो, नहीं समेटना चाहते मर्जी आपकी। एक बार ऐसे था, वो मानने को तैयार नहीं थे इस बात, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने खुद ही बना लिया है, और खुद मेरे को मैं चाहूँ तो समेट सकता हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसे कैसे होगा। तो हमने क्या किया, एक बार उसके समझाने के लिए ऐसी जगह हम लोग थे बाराबंकी में, बनकुटी में, बहुत वहाँ मक्खी था, परेशान कर, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तो हम लोग दिन में भी मच्छरदानी लगा करके बैठते थे, दिन में मच्छर भी इतने बड़े बादशाह बड़े चालाक भी थे, वो हवा के साथ आएंगे बेहोश होकर गिरा पड़ा रह गया, चुप चुप पड़ा, ऐसे आप सोचे मरा हुआ है, धीरे से उठे, जब आप इधर पढ़ने में लग जाएंगे उठेगा वो, उसको भी मालूम होता है आप पढ़ने जा रहे हो, उसको नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ने लगते तो उठ जाता है, खट खट कूलर के सामने लेट रहे हैं, कूलर की हवा के साथ आ जाता वो, सब कूलर के सामने सो जाते थे, इसीलिए कूलर की हवा के साथ आता था वो, आ करके बैठ जाएगा, पहले कूलर पर बैठेगा, खिसकेगा, उसकी हवा में लुढ़क जाएगा, उसके साथ आ जाएगा आपके ऊपर, लेटे रहेगा चुपचाप, फिर धीरे से उठ के मारेगा। ये सब कहते हैं बादशाहपुर के मच्छर भी बादशाह, बड़े अक्कल वाले। तो हुआ क्या, फिर हमने उसको बंद करके बैठा रहा, तो वो आ गया, मुझे प्रणाम करना, क्यों नहीं चुना रही मच्छरदानी, नहीं चुना, प्रणाम करो, कैसे करोगे, हमारे बाहर आ जाओ तब कर लूँगा, मैंने बाहर क्यों आऊँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा, तुम अंदर आ जाओ, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो, वहीं रहो, मैं प्रणाम कैसे होगा, और तेरी मुक्ति कैसी होगी बता, तेरा भी हाल वही है, मुक्ति कैसे होगी, तू तो छोड़ के आता नहीं, अपनी अहंकार में घर गृहस्थी सब छोड़ के आ सकता है, ऐसे तो मैं मच्छर से बाहर क्यों, फिर ये तू छोड़ के नहीं आ सकता, मैं मच्छर से बाहर नहीं आ सकता, तुमको अंदर घुसने मना कर रहा हूँ छूने के लिए, इसलिए शास्त्र भी कहता है जो ऐसा रहेगा द्वैत बुद्धि वालों कभी शास्त्र प्रवेश ही नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, ये तेरे को शास्त्र ग्रहण नहीं हो सकता और शास्त्र तेरे पास आ नहीं सकता, तू तो वैसे का वैसे, वेक और वैराग्य से छोड़ोगे तब शास्त्र को पाओगे, मुक्ति को प्राप्त, युक्ति से समझाना मंदाधिकारी है ना, क्या करें,
इसे मंदाधिकर नाटक रूप से समझा रहे हैं यहाँ पर, वो ईश्वरी सब कुछ बन गया, स्वयं प्रवेश कर गया। इसको कैसे समझ में आएगी, लेकिन नाटक से समझाएंगे। जीव रूप है पूर्वम सृष्टे प्राग अद्वयानंद पूर्ण सदैव स्वमिदम अग्र आसी। पूर्वम ने सृष्टि है पूर्वम, सृष्टि से पहले सृष्टि है प्राग, कैसे था ये अद्वय आनंद पूर्ण, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सदैव स्वमित विग्रह अधम अग्र आसी एकम अद्वितीयम, अद्वितीयता के लिए, आनंद के लिए विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, पूर्णम के लिए पूर्णमद पूर्णमिदम इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध। स्वगतादि भेद शून्य, स्वगतादि भेद शून्य, स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद से शून्य, परमानंद रूप परिपूर्ण परमात्मा, परमानंद रूप है परिपूर्ण है परमात्मा, स्व माया अपनी माया से। मायां तो प्रकृति विद्यात्मायिनंदो महेश्वरम, उसकी अपनी माया है, इसे प्रमाण दे रहे श्वेता सूत्र परिषद। यदि श्रुत्युक्तिया स्वनिष्ठया माया शक्तिया, इस श्रुति के कथन के आधार पर स्वनिष्ठ माया शक्ति के द्वारा स्वयमेव जगत भूत्वा स्वयं जगदाकार को प्राप्त कर, तदात्मानं स्वयं अकुरुत सच त्यच्च अभवत, तैत्तिरीय उपनिषद। स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीव स्वरूपत प्राविशत तत्सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशत, तैत्तिरीय अनेन जीवनात्मनं प्राविशत अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य इत्याश्रुतेर जीव रूपेण प्रविष्टवान् इत्यर्थः। ये श्रुतियों से ज्ञापित हो रहा है और ब्रह्म ही प्रवेश किया है। ननु परमात्मन एव एकस्य सर्वशरीरेषु प्रविष्टत्वे पूज्य पूजकादि भावेन प्रतीयमानो उत्तमादमो भावो वृद्धेत। पूर्व पक्षी कहेगा हे परमात्मा ही सब में प्रवेश हो रखा है, कोई श्रेष्ठ कैसे हो गया, कोई कनिष्ठ कैसे हो रहा है, कोई ज्येष्ठ हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कोई पूज्य है और पूजक छेड़े बहुत हो रहे हैं, ये भेद कैसे हो गया, गुरु शिष्य भेद भी कहाँ से आ गया। तो कहते हैं विश्वाद्युत्तम देहेशो प्रविष्टो देवता भवेत मर्त्याद्यतम देहेशो स्थितो भजति मर्त्यता। विष्णु आदि उत्तम उपाधियों में वो पूज्य हो जाता है, मर्त्यादि अधम उपाधियों में यह मर्त्यताम भजति, वह मरणशीलता को प्राप्त कर जाता है, अपूज्यता को प्राप्त कर जाता है। संसार में भी समझना, जैसे देवता और मनुष्य, देवता पूज्य हो गया मनुष्य पूजक हो गया, सब मनुष्यों में भी गुरु पूज्य हो गया शिष्य पूजक हो गया, इस प्रकार का उपाधिगत भेद की वजह से है ये सारी चीजें। जिस उपाधि में ज्ञान आपको अनुभव में आ रहा है, अदा ये विद्वान है, उस ज्ञान है, उसको गुरु मान लिया, अपने आचार्य मान लिया, तो पूज्य हो गया आपके लिए, उपाधि तो पूज्य हुआ। पूजा किसकी होती, इसलिए उपाधि की होती ना, और उपाधि की पूजा खतरनाक पूजा है, क्योंकि इसमें ऐसा आसक्ति हो जाता है, ऐसी अहमता खड़ा हो जाता है। बस पूछो ही मत, कहीं तो बोल देते हमने आपकी इतनी पूजा करी और आप जानते हमारे पर जो विश्वास ही नहीं किया, इसका तो तुम्हारी शरीर की पूजा करने से हम तुमको विश्वास कर लें, पैर धो के पानी पी लें वहाँ से आप पर विश्वास किया जाएगा क्या। ये उपाधि पूजा करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए, और सकामना पूर्वक जो करते हैं वो और ज़्यादा गड्ढे में चले जाते। उपाधि को लेकर के पूज्य पूजक भाव की अपेक्षा से उपाधि में विद्यमान गुण को लेकर कर दो तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो गुण के प्रति आपकी पूज्यता है, उपाधि के प्रति नहीं है, तो श्रेष्ठ है। तो गुण की तो पूजा ही नहीं कर सकते ना आप, गुण को आप मान सकते हैं, आप पूजा तो कर नहीं सकते। गुण को तिलक लगा, गुण को ऐसे तिलक लगाओगे है, तिलक किसको लगाओगे, आप शरीर को लगाओगे, गुण को तिलक लगाओ, गुण को माला पहना दो, कैसे पहनाओगे माला। अरे आप शरीर जो मुर्दा होने वाला है उसे गले में तो माला पहनाओगे, जो ज्ञान अंदर है उस ज्ञान की तो पूजा कोई कर नहीं पाता। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उपाधि की पूजा ये बंद कर दो, छुट्टी, यह भ्रांति है कि आदमी कई बार इन्हीं चीजों से पाप भी कमा लेता है अनावश्यक। आज जिसकी पूजा कर रहे हो कल उसकी निंदा कर दोगे, है ना, स्वार्थ के कारण से पूजा किया, सत्य नहीं हुई निंदा कर रहे हो, तो फायदा क्या होगा, पूजा करना पाप हुआ कि नहीं हुआ। इससे अच्छा पहले से पूजा ही मत करो ताकि निंदा करने का पूरा आपको अवसर मिले।
निंदा करने का लाइसेंस मिल जाएगा, पाप तो नहीं लगेगा, डबल पाप लग रहा है ना, केवल निंदा का पाप लगेगा। पहले पूजा करना भी पाप हो गया ना, निंदा करने से बाद में डबल पाप हो जाता है, उसे तो एक पाप से तो बच सकते हैं ना। इसलिए हमने निश्चय कर दिया हम पूजा किसी का लेंगे, हमारे निंदा करो कोई आपत्ति नहीं, एक ही पाप तेरे को लगेगा, डबल पाप नहीं लगेगा। हम तब भी आपके हित में हैं, हम चाहते हैं आपसे कम से कम पाप हो, कि जो आते हैं सब जाते जाते पाप करके जाते हैं। लक्षणता है, लक्ष्मी आती तो अच्छा लगती है ना, दरिद्र जाती है तो अच्छा लगती है, दोनों अच्छे हैं। लक्ष्मी भी अच्छी है, दरिद्रा भी अच्छी है, एक के आने पर अच्छी, एक के जाने पर अच्छी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब तक श्रद्धा तब तक आओ आप तो ठीक है, अच्छा हैं आप, जब निंदा करने का वक्त तो चले जाना आप यहाँ से, तो अच्छे हैं आप, दोनों तरह से आप अच्छे हैं या नहीं। कि जब श्रद्धा बन के आ रहे हो तो लक्ष्मी हो तो अच्छे हो, जब निंदा करने लोगे तो दरिद्रा हो गए हो, तो चले जाओ यहाँ से, तो अच्छे हैं आप। इसे दोनों तरीके से आपको हमें अच्छे बने रहना है, नहीं आप हमारे प्रति अच्छे बने रहें, वैसे हमें आपके लिए सोचना पड़ेगा आपसे क्या कराना है ताकि आप दोनों वक्त अच्छे बने रहें। बड़ी समस्या, व्यवहार इसलिए कठिन माना जाता है, और लोग हमें कहते भी हैं आपको व्यवहार करना ही नहीं आता है, तो समझते नहीं हम कितने चालाकी से व्यवहार करते रहते हैं। हम छूट देते हैं आपको बेईमानी करने को भी, झूठ बोलने को भी, छल कपट करने को भी, पूरा छूट देता हूँ। ये सोच के एक का खुद की गलती समझ में आए तो सुधर जाएगा। सुधरने का अवसर देने के लिए हम चुप रहते हैं, समझे हम नहीं जान रहे हैं आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सब जानते हैं, चुप रहना पड़ता है। ये सोच के चलो आज नहीं तो कल सुधरे, कल नहीं तो परसों सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो लोग कहते क्या होगा, उसके पाप की घड़ा भरेगी तो अपने आप चला जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य करना है, अवसर देना हमारा कर्तव्य है, शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, सीधे परोक्ष अपरोक्ष रूप में पाठ में उसको इंजेक्शन देना मेरा काम है, वो हम देते रहते हैं, नहीं देते है। समझ में आवे तो ठीक, न समझ में आवे तो ठीक। इसे शिष्याणाम बुद्धि वैशद्यार्थम ये क्रम को निर्णय जैसे किया, हम लोग सारे रास्ते अपना लिया। परमात्मा ही प्रवेश किया जीव रूपेण, आप ही आपको हानि करना, इसे भगवान ने कहा आत्मा ही रिपु आत्मा ही वो बंधु, मित्र भी वही है, शत्रु भी आप स्वयं आपके मित्र हैं, आप स्वयं आपके शत्रु आप ही हैं, कोई आपके शत्रु बाहर नहीं है, कोई आपके बाहर मित्र नहीं है। आप अपने इस बिन किसी मित्र बनाओगे धोखे में रहोगे, बृदायण मैं ना तो बराध हूं, जो स्वास्थ्य बिन किसी भी चीज को मानता है एक भी उससे वो अवश्य परास्त हो जाता है। इसे अपने से बिन किसी चीज को मानो ही मत, क्योंकि अपने से बिन कुछ है ही नहीं, स्वयं ही सर्वरूपेण कल्पित है ना, अपने से बिन मैं कुछ हो गया हूं क्या, नहीं हुआ हूं, मैं ही सब कुछ हो गया हूं ये कहा जाता है, मैं ही सब कुछ हो गया हूं, लेकिन मैं ही अपने से भिन्न सब कुछ नहीं हुआ हूं। अरे मैं ही अपने से अभिन्न सब कुछ हो रखा हूं, अरे स्व अपने से अभिन्न सब कुछ कहां से आया, स्वयं तो एक हो, अपने में सब कुछ कैसे हो सकता है, मैंने कल्पना ही तो है, स्वतः वचन से सिद्ध होता है सब कुछ कल्पित हुआ, और कल्पित में सत्यता की भ्रांति से ही सब दुख है, वह उसके लिए अपवाद करना, अध्यारोप का अपवाद करना पड़ता है, अपवाद भी समझा रहे। इत्थम आत्मनि अध्यारोपण संक्षेपण प्रदर्श्य, दो श्लोकों के द्वारा आत्मा में अध्यारोप का संक्षेप दिखा दिया, ससाधनम तद अपवादम संक्षिप्य दर्शित, आप उसको साधन सहित अपवाद को संक्षेप में दिखाया जाता है।